परसेंट है वो होता है। फिर उसमें उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, डिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। इसकी बात करें तो कॉर्पसल फिर दो टाइप की होती है, WBC और पढ़ा चुका हूँ बेटा इसके बारे में। तो मैं और कुछ पूछो क्या? रक्त के प्रकार A, B, AB और जिसमें किसी को कुछ नहीं आता है वो O। भाई 99.99% लोगों को O का मतलब ही नहीं पता होता है। O का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। नहीं, O क्यों कहते हैं इसको? O ही क्यों कहते हैं भैया? A को कह दिया A, A को कह दिया B, A को कह दिया AB, तो अगले को C भी तो बोल सकते थे, तो उसको O ही क्यों कहते हैं? O का क्या मतलब? रेड ब्लड है। अरे नहीं, आप मुझे उसकी क्वालिटी बता रहे हो बेटा। O ही क्यों कहते हैं? O इसलिए कहते हैं, O का मतलब होता है नन, उपरोक्त कोई नहीं, मतलब ये जो होता है इनमें एंटीजन होते हैं। अब सिंपल भाषा में समझो एंटीजन क्या होते हैं। भाई आप एक बात बताओ, आपने आयरन मैन देखा फिल्मों में, उसके यहाँ पे कैसा आग रिएक्टर चिपका रहता है, समझ में आया? ठीक वैसे ही जो सेल्स होती है कोशिकाएं, उनमें भी एक प्रोटीन चिपका हुआ रहता है ऐसा। अब इस प्रोटीन को क्या नाम दें? तो बेटा साइंस अभी डेवलप हुआ है, उस जमाने में इतना डेवलप नहीं था, तो इसको कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने बोल दिया ए, एंटीजन ए, और नाम भी निकल गया ब्लड ग्रुप ए। जब दूसरे में देखा उन्होंने तो उन्हें दूसरे प्रकार का एंटीजन दिखा। एंटीजन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन। तो ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। तो उसको दे दिया बी, इसे दे दिया बी, एंटीजन मतलब प्रोटीन बी, और वही नाम दे दिया ब्लड ग्रुप बी। तीसरा जो था उसमें देखा उन्होंने, मैं कॉर्न एम्पी स्टीनर की बात कर रहा हूँ, बहुत आई एम पी है, मोस्ट आई एम पी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कॉर्न एम्पी स्टीनर ने। चलिए तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें बताओ आपको दोनों दिख रहे हैं एंटीजन, इसलिए इसको नाम दिया ए बी। और सबसे खास ब्लड ग्रुप आता है, ध्यान से देखना, ये रहा सबसे खास ब्लड ग्रुप। अब बताओ इसमें कौन सा एंटीजन दिख रहा है? एग्जैक्टली, एंटीजन एब्सेंट, इसलिए इसको ब्लड ग्रुप दिया ओ। ओ भैया लैटिन भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का ओ नहीं है, जिसे आप ए बी सी डी पी क्यू आर ओ समझ रहे हो। ओ मतलब ना नहीं है, इसको ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं, कोई प्रोटीन चिपका हुआ नहीं है। तो ये है तो एक दो तीन और चार, चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं भाई, समझ गए? कुछ और पूछना? ओ नेगेटिव। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करें तो कॉर्न लैंडस्टीनर और वीनर, ये दो साइंटिस्ट थे, कॉर्न लैंडस्टीनर और वीनर। इन्होंने जब डीप में रिसर्च करी तो उन्हें लगा कि यार इसमें ये तो होता है, ए भाई साथ में एक और प्रोटीन होता है और विशेष टाइप का प्रोटीन होता है ये, और इसकी खोज की थी उन्होंने रीसस मकाका मंकी, लाल मुखे बंदर, साधारण भाषा में समझो साउथ अफ्रीका में होते हैं लाल मुखे बंदर। जब लाल मुखे बंदरों का ब्लड निकाला और उनमें देखा तो उन्हें एक और प्रोटीन दिखाई दिया। अब चूंकि वो था रीसस मंकी, रीसस मकाका मंकी, ये होती स्पेलिंग। अब चूंकि रीसस मंकी में खोज किया था इसलिए उन्होंने उसको दे दिया RH, RH। अब जिसमें ये होता है उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव, और भाई जिसमें नहीं होता उसे कहते हैं RH नेगेटिव। अब भैया इतना कौन लिखे बार बार? दुनिया आंसी है, दुनिया आंसी, कायदे से तो लिखना चाहिए A RH पॉजिटिव, तो ऐसा ना लिखे डायरेक्ट आकर लिखते थे A प्लस, मतलब इसमें एंटीजन A है और RH वेक्टर भी है, RH वेक्टर है इसलिए A पॉजिटिव। अब इसमें RH वेक्टर नहीं है तो देखेंगे O और B नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, A भी नेगेटिव, समझ में आया? किसी को डाउट है और कुछ? मैं स्टार्ट करूं, कोई और डाउट हो किसी का? और कोई ब्लड से लेकर आपको कंफ्यूजन?
सर्वग्राही सर्वदाता, सर्वग्राही सर्वदाता की बात करते हैं। चलो देखो ये सर्वग्राही सर्वदाता का कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, कंफ्यूज रहने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये एक बंदा है, ठीक है ना, इसके अंदर ब्लड ग्रुप ए, ये इसकी आरबीसी और इसमें एनटीजी में ए, समझ में आया, एनटीजी में ए मतलब इसका ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप क्या है इसका ए भाई, अच्छे से समझ में आया तो जाओ। चलिए आप देखिए ये एक दूसरा व्यक्ति है, इसका ब्लड ग्रुप है बी, इसका ब्लड ग्रुप है बी। एक बात बताओ, आपके घर में अगर कोई अपरिचित बंदा घुस जाएगा जिसको आप नहीं पहचानते हो तो आप क्या बोलोगे, आइए नाश्ता कीजिए, क्या करोगे, उठा के डंडा उसके सर पे मारोगे, तो घर में कैसे आया हमारे, हाँ के ना। बस वैसे ही ये व्यक्ति का शरीर है, इसका शरीर ए कोई पहचानता है, अगर ये बी ब्लड ग्रुप, ये बी इसके बॉडी में आएगा तो ये देखो बी आ गया, अब ये ए एकदम अलर्ट हो जाएगा, बताओ ए क्या बी को पहचानता है, नहीं, नहीं। तो बेटा इससे लड़ना शुरू कर देगा, इस बी से लड़ना शुरू करेगा और इसको मार देगा, मारने के चक्कर में पूरा ब्लड का थक्का जम जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा ब्लड का, स्कंदन जैसा दही जम जाता है वैसा ब्लड जम जाएगा रगों में और बंदे की इंस्टेंट मौत, समझ में आया। तो बताओ ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, नहीं, नहीं। क्यों, क्योंकि ए किससे लड़ेगा, इस बी से, समझ गए, किसी को डाउट है, तो क्या ए ब्लड ग्रुप वाले को बी का दिया जा सकता है, चलिए जी। अब देखो इसका ब्लड ग्रुप बी ही है, मान लीजिए सॉरी ए कर देते हो, इसका ब्लड ग्रुप ए, अब बताओ इसका जो ग्रहण करता है उसको बोलते ग्राही, रेसिपिएंट, और जो देता उसको क्या बोलते हैं, डोनर ले दाता। अब देखिए दाता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, ग्राही का क्या है ए, अब ये ब्लड इसके अंदर आया, अब बताओ इस व्यक्ति का ब्लड इसके ब्लड को पहचानेगा या नहीं, पहचानेगा, कोई पहचान वाला आएगा तो क्या हम उसको मार के भगा देते, रख लेते कि हाँ भाई आजा, इसलिए ये आराम से ए ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर लेगा, किसी को डाउट है, चलिए जी नेक्स्ट देखिए। अब मान लीजिए ये है ब्लड ग्रुप ए बी, अब हमने ए वाले को ए बी का ब्लड ग्रुप दिया, आप बताओ ब्लड ग्रहण होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, वो ए को तो पहचानता है बी को नहीं, ए को तो कुछ नहीं बोलेगा पर बी के खिलाफ लड़ना शुरू कर देगा, समझ में आया कि नहीं आया, बी के खिलाफ लड़ना शुरू करेगा, जहां लड़ाई हुई तो रक्त जम जाएगा दही जैसा रसों नर्सों में, मौत, क्लियर है। अब देखो ध्यान से सबसे खास, आप बताओ ये ब्लड ग्रुप ए, अब ये है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है ना, ये इसके अंदर गया ब्लड ग्रुप ओ, लड़ने के लिए कोई बंदा तो होना चाहिए जिसे हम लड़े, बताओ ये व्यक्ति इस ब्लड को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ग्रहण करेगा कि नहीं, करेगा, ये तो चाहता है लड़ू लड़ू, पर लड़ू किससे, यहाँ तो कोई प्रोटीन ही नहीं है, तो बताओ ओ को ए वाला ग्रहण कर सकता है, क्योंकि लड़ने के लिए दुश्मन तो चाहिए सामने। अब मान लीजिए ये है ए बी, ए बी वाला
वाले को अब हमने क्या दिया, ये देखो ए बी, इसको ओ दिया। अब तो दोनों लड़ना चाहेंगे, तो बताओ ये ओ इसे दिया जा सकता है या नहीं। तो हमने ओ ए को भी दे दिया बेटा, बी को भी दे दिया और ए बी को। तो जो ओ है वो ब्लड ग्रुप किस किस को दे रहा है, ए को दे रहा है, बी को भी दे रहा है और ए बी को भी दे रहा है। जो सबको दे वो क्या दाता, इसलिए हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर सार्वत्रिक दाता। किसको समझ में नहीं आया, डाउट हो तो बोलो। चलो जी आप, हाँ मैंने आपको किसने रोका, आप क्वेश्चन उल्टा पूछ रहे हो, आप क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा पूछ रहे हो। सुनो ये क्या पूछ रहे हैं वो बता रहा हूं मैं, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहां समझा रहा हूं। ये एक बंदा है, ठीक है ना, ये एक बंदा है, इसका ब्लड ग्रुप है ए बी, आया समझ में। अब इसके चार रिश्तेदार आए, पहला रिश्तेदार ने बोला डॉक्टर साहब मारो खून दे दो, डॉक्टर साहब मारो खून दे दो, मारो दोस्त है, इसका ब्लड ग्रुप है ए, इसका ब्लड ग्रुप ए, बताओ ये ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। सुनो ध्यान से, आपके पापा और आपके भैया, आपको पता है बाजार गए हुए हैं, आपके पापा और आपके भैया बाजार गए हुए हैं, सिर्फ पापा घर में आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं भैया को भी लेके आओ, उनको आने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलोगे? जो आ रहा है वो कितनी पहचान का है ना, अरे ये तो दोनों को पहचानता है, ए को भी पहचानता है और बी को भी पहचानता है। अब सिर्फ ए वाला अंदर आना चाहता है तो क्या ए भी उसे आने नहीं देगा, क्यों नहीं आने देगा बेटा, पहचानता है ना वो तो। मान लो ये ब्लड ग्रुप किसका है, बी, सिर्फ बी है, अब ये ही सिर्फ ब्लड देगा, तो बताओ ये इस बी को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। भाई एक बार पापा है, एक बार भैया, अब तीसरी बार में दोनों आ गए, अब देखो पापा और भैया दोनों आ गए, अब एक्सेप्ट होगा कि नहीं, आई बात समझे। अब ब्लड ग्रुप ओ भी आ गया बेटा, ये देखो ये ब्लड ग्रुप ओ है, ये भी आ गया, तो इसकी थ्योरियां तो चलेंगी, लड़ूंगा पर लड़ूंगी किससे, यहाँ पे तो लड़ने के लिए कोई ए या बी है नहीं, कोई है ही नहीं लड़ने के लिए, तो बताओ ये भी अंदर चला जाएगा। अब देखो ए बी किस किस से ले रहा है, ए बी ए से ले रहा है, बी से ले रहा है, ए बी से ले रहा है और भैया सबसे तो ले रहा है, ये सबसे ले रहा है, इसलिए सार्वत्रिक ग्राही। यूनिवर्सल रेसिपिएंट या एक्सेप्टर। आप ये पूछ रहे थे भाई,